हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शामली नगर निकाय चुनाव की मतगणना के लिए NIC और प्रथम रेंडमाइजेशन हुआ। कार्मिकों का प्रशिक्षण 28 नवम्बर को शामली कृषि उत्पादन मंडी स्थल और दिया जाएगा। शुक्रवार को नगर निकाय चुनाव की 1 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। मतगणना और जिले की 10 निकायों और कुल 182 टेबल लगाई जाएगी। अध्यक्ष के लिए 91 और सदस्य के 91 टेबल लगेगी। इन टेबल पर कुल 1072 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। एडीओ निर्वाचन भदपाल सिंह ने बताया कि शामली नगर पालिका परिषद के लिए सबसे अधिक 299 टेबल लगाई जाएगी। कैराना नगर पालिका के लिए 1919 और कांधला नगर पालिका के लिए 1010। थानाभवन नगर पंचायत के लिए 828। पानी आलाबाद नगर पंचायत के लिए 727। बनत नगर पंचायत के लिए 424। झिंझाना नगर पंचायत के लिए 525। गढ़ी पुख्ता नगर पंचायत के लिए 323। एलम नगर पंचायत के लिए 323। ऊन नगर पंचायत के लिए 323 टेबल लगाई जाएगी। इनके लिए अलावा चुनाव के समारोह की अलग अलग टेबल लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण शामली के भैंसवाल रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी स्थल के नीलामी चबूतरों पर होगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।